रसूल पाक सल्लाम ने फरमाया जन्नत में एक ऐसा महल है जिसके अंदर खड़े होके देखें तो बाहर से सारा कुछ नजर आता है और महल के बाहर खड़े होके देखें तो अंदर का सारा हुसन दिखाई देता है तो हुजूर तवज्जो दिलाते थे तो सियाबा में शौक पैदा होता था यारसूल किसको मिलेगा वैसे ही दुनिया में भी बंदा को अच्छा घर देखता है तो कहता है यार कितना अच्छा नक्शा है किस खूबसूरती से बनाया और जब हुजूर जिक्र करें और जन्नत के महल का जिक्र करें शौक सि हबा का तवाना होता था अर्ज़ की अलैहि वसल्लम किसको मिलेगा तो नबी पाक ने चार बातें बयान फिर मैं एक वो बंदा जो अच्छी बात करे बकोल्ला से हुसना, लोगों से अच्छी बात कहे वो हमेशा माशरे में बुरी खबरें ही देने का आदि ना हो लोगों की ऐब जोई ही उसका मिजाज ना हो अच्छी बात करे और दूसरा रसूल पाक ने फरमाया खाना खिलाए अहले ईमान की दावतें करे और तीसरा फरमाया कसरत से रोज़ा रखे और चौथा फरमाया जब लोग नींद के मज़े ले रहे हो ना तो ये उठ कर अपने रब की इबादत करे सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है और किसी ने कहा था रात पवे ते बे नींद प्यारी आवे रात पवे ते बे नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदा याद सज्जन दी सुत्यान जगावे फरमाया जब लोग खब ख़रगोश में हों नींद के मज़े ले रहे हों तो रब के बंदे उठ के अपने रब को याद करते वल्ली न यबी तू नबीम सुम व्यायामा ये चार चीजें जिन लोगों में पाई जाए वजूर फरमाते उन्हें वो आलीशान महल मिलेगा जिसकी तारीफें गोया खुद रसूल करीम ने बयान फरमाई है।